नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कुमकुम बिनवान प्लेटफॉर्म पर। देखिए, मैंने हर समय एक चीज नोटिस करा है कि जब भी नॉर्थ इंडिया या जिसको काउबेल्ट बोला जाता है या जिसको हम बोलते हैं हिंदी पट्टी, वहां पे जब जब चुनाव होते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। क्रिकेट एक रिलीजन है, क्रिकेट पे तो लोग बात करते ही हैं, आप जानते हैं। पर आप कहीं भी चले जाएं, आप पेड़ों के नीचे, चौपालों पे, शहर में पान की दुकानों पे, चाय की थड़ियां या चाय के छोटे स्टॉल्स पे, कहीं भी एक झुंड खड़ा हो आप देखिएगा, उनको पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट आता है और पॉलिटिक्स में बात करने में बहुत मजा आता है। तो जहां पे सिर्फ 90 सीट है हरियाणा, वो कैसे पीछे रह सकता था। आज हरियाणा पे भी आप देखिए, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, जहां भी देखें, एक्स जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, जहां भी देखें वहां हरियाणा ने एक धूम मचा रखी है हरियाणा के चुनावों में। बनिस्पत इसको भी आप एक बार नजरअंदाज कीजिए, सीटें कितनी है, 90 सिर्फ, पर हरियाणा में लोगों को इंटरेस्ट है, जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। और इसी को देख के मुझे लगता है कि लोगों को यह भी जानने में बड़ी इच्छा होगी कि सट्टा मार्केट क्या बोलता है आखिर हरियाणा के बारे में। देखिए, पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा, सट्टा मार्केट को हम किसी भी रूप में प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, ना कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल मान के चलिएगा। और सट्टा मार्केट कोई पूर्ण सत्य या बिल्कुल सच्ची बातें बोलता हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मैं उदाहरण भी आपको दे देता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो सट्टा मार्केट ने जो फिगर दिया था उसमें, राजस्थान के सट्टा मार्केट की बात कर रहा हूं, देखिए गौर कीजिएगा, राजस्थान के सट्टा मार्केट ने जो फिगर दिया था उससे बहुत ज्यादा अंतर था। जो आखिर में सट्टा मार्केट की वही हालत हुई थी, मानिए आप, जैसे एग्जिट पोल की हुई थी, आखिर में जो फिगर आए वो बहुत दूर थे सट्टा मार्केट के कैलकुलेशन से। आज हम सट्टा मार्केट पे भी बात करेंगे, आज हम पॉलिटिकल पंडित्स पे भी बात करेंगे या पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स पे भी बात करेंगे कि आखिर वो क्या बोलते हैं हरियाणा के बारे में। देखिए, सट्टा मार्केट राजस्थान चुनावों में तो मैं मानूंगा प्लस माइनस 5 का अंतर रहा था, काफी सटीक था, पर नेशनल लोकसभा पोल्स में सट्टा मार्केट नजदीक भी नहीं था। तो पूर्ण सत्य नहीं है, इसको आप मजे लीजिए, सुनिए और देखिए कि आखिर मार्केट में, क्योंकि मेरा एक मानना जरूर है, सट्टा मार्केट वाले भी अपना सर्वे करते हैं और उसी के बेसिस पे अपने जो डेटा है उस डेटा से वो फिगर निकालते हैं कौन सी पार्टी को कितनी सीटें। तो आखिर बोलता है क्या सट्टा मार्केट, बोलते हैं क्या पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, आइए चंद मिनटों में जानने की कोशिश करते हैं। आज मैं सबसे पहले चालू करूंगा पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स के बारे में। देखिए, ज्यादातर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का मानना यह है कि अब के जो चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं वो उसमें कांग्रेस का कहीं ना कहीं वेव दिखाई देती है। कई ऑब्जर्वर्स ऐसे भी हैं जो कांग्रेस का फिगर 55 से और 62 के बीच बताते हैं 90 में से, बड़ा फिगर है, आपको बताऊं बड़ा फिगर है, 60 से ऊपर फिगर बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। पर ऐसे भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, जैसे मैं एक को जानता हूं, उनका नाम भी ले लेता हूं, कैलाश शर्मा, जो पहले एक अखबार के एडिटर हुआ करते थे और हरियाणा की राजनीति को बड़े करीब से देख रहे हैं। उन्होंने आज मेरे को फोन करके एक बात बोली कि आप मेरी बात मान के चलिए, हरियाणा में बिकॉज ऑफ कास्ट डिविजन, मतलब कास्ट डिविजन हो रहा है वहां पर, जाट, अहिरवाल और जो कम्युनिटीज हैं वो सब अपने अपने एरियाज में अलग अलग जगह अलग अलग लोग जीत रहे हैं, पार्टी जीत रही हैं, उसको देखते हुए उनको ये लगता है कि जो सीट है कांग्रेस जो जीतेगी मेजोरिटी तो ले लेगी, वो भी ये बोलते हैं, पर वो मेजोरिटी होगी 46 से 50 का फिगर देते हैं। मैं मानता हूं 46 से 50 का फिगर कांग्रेस की जीत अच्छी जीत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक तरह से हम ये मान के चल रहे हैं कि वहां पे डिससेटिस्फेक्शन है, नाराजगी है बीजेपी के अगेंस्ट में। क्या प्राइम मिनिस्टर की पहली रैली वहां सक्सेसफुल हुई थी,
मेरे हिसाब से नहीं हुई थी। क्या अब के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी? मैं बोलूंगा नहीं रही थी। 10 में से 5 सीटें कांग्रेस को और 5 सीटें बीजेपी को मिली थी, और यही आंकड़ा अगर आप 2019 से मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि 10 में से 10, क्योंकि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें, 10 में से 10 सीटें किसको मिली थी? वो मिली थी बीजेपी को। अंतर पड़ा आपके, बहुत अंतर पड़ा। तो क्या इसका अंतर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? आप मेरी माने तो बिल्कुल पड़ेगा। एक बार पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को अलग करके मैं अपना व्यू भी देने की कोशिश करता हूं आपको थोड़े मिनटों के अंदर। बिल्कुल पड़ेगा। अब के 10 में से 10 सीट आपको नहीं मिली। अरे आपको जब 10 सीट मिली थी तब भी आप 40-41 सीट ला पाए थे 2019 में, तो 2024 में आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या बीजेपी वेव की उम्मीद करती है जब 5 सीट खोई है आपने लोकसभा में? मतलब वहां पे नाराजगी थी इसीलिए तो आपने 5 सीट खोई। तो अब होने क्या वाला है? क्या वहां पे अगर आप देखें हरियाणा में लोगों के बीच मुद्दे क्या उठे? लोग जो बात कर रहे हैं चौपालों में, गलियों में, पान की दुकानों पे, चाय की स्टॉल्स पे, या आप जाए थोड़ा खेतों में पेड़ के नीचे, क्या बातें हो रही है? बात ये हो रही है बेसिकली कि अब के बीजेपी का कैंडिडेट को कई जगहों पे घुसना भी मुश्किल हुआ है गांव में। तो क्या इन सब चीजों को देख के आपको लगता है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस पहले वाली जैसी हो सकती है? देखिए मैं तो बोलूंगा नहीं हो सकती, उसके कारण भी बताऊंगा, पर वैसी परफॉर्मेंस लाना मुश्किल होगा। कांग्रेस विल बी अ गेनर, ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूं। 30 सीटें कांग्रेस की मुझे नहीं लगती। आज की तारीख में देखिए चुनाव बहुत जल्दी चेंज होता है इंडिया के अंदर, चुनाव 24 घंटे में चेंज हो जाता है। आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, आज की तारीख की बात कर रहा हूं, और ये मैं आज की तारीख में ये बोल सकता हूं कि कांग्रेस विल की जो रिजल्ट है वो पहले से, मतलब 2019 से लोग विधानसभा चुनावों में बेटर होगा, ये बात बिल्कुल श्योर लगती है। कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीत के कांग्रेस ने अपने आप को वापस से एक तरह से रिवाइव करा था। तो आखिर सट्टा मार्केट क्या बोलता है? आप लोगों को बड़ी जिज्ञासा होगी, होनी भी चाहिए, इंटरेस्ट आता है, पर देखिए हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं पहली बात, और ये कोई पूर्ण सत्य नहीं है दूसरी बात, ये चीजें दिमाग में रखिएगा। सुनिए क्या कहता है सट्टा मार्केट राजस्थान का हरियाणा के बारे में, मैं कुछ पॉइंटर्स भी लिख के लाया हूं। वो कहता है 60 सीट कहां से लेके, देखिए 46 सीट तो वो पक्की मान रहा है, मतलब कांग्रेस की सरकार बनना पक्का मान रहा है सट्टा मार्केट आज की तारीख में, क्योंकि 45 पे सबकी सरकार बन जाती है, 46 से कम नंबर तो वो मान ही नहीं रहा है। अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है 60, 46 मिनिमम 46 और 60 नंबर, अंतर बड़ा है। पर अगर आप पैसों का देखेंगे तो आप पाएंगे कि 60 से शुरू होता है जहां पे बराबरी का सट्टा लगा हुआ है कि आप जितने लगाएंगे उतने ही पाएंगे, मतलब एक तरह से बराबरी का है। और बीजेपी को क्या देते हैं? बीजेपी को दर्शाता है बहुत बड़ी हार सट्टा मार्केट, 22 से 25 सीट के बीच में बीजेपी को वो करीब करीब खत्म करता हुआ नजर आता है। देखिए इन सब के अंदर प्लस माइनस 5, आप प्लस माइनस 5 का एरर मैं मानता हूं होता है, क्योंकि राजस्थान इलेक्शन में भी सट्टा मार्केट में हुआ था, इसलिए एक बार विधानसभा में भी मान लेता हूं। तो क्या सच में बीजेपी की हालत इतनी बुरी है? अगर है तो क्या कारण है? देखिए स्ट्रेटजीज बीजेपी के द्वारा हरियाणा में काफी बनाई जा रही है, पर गलती कहां है मैं बताता हूं आपको। जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में प्रॉब्लम क्या आई बीजेपी को, और क्या चीजें उनको दिक्कतें पैदा कर रही हैं? क्या बात है कि उनकी सभाओं में लोग झुक नहीं रहे? क्या बात है कि बीजेपी कैंडिडेट्स गांव नहीं जा पा रहे? कई गांव नहीं जा पा रहे, ये नहीं बोलूंगा सब नहीं जा पा रहे, कई गांव नहीं जा पा रहे। पहला महिला पहलवान विनेश, आपको याद होगा, जो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा आप ध्यान रखिएगा फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो किसानों ने एक आंदोलन करा था उसकी नाराजगी
अभी भी ठंडी नहीं हुई है। हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा में चुनाव है इसलिए उसका अंतर आपको देखने को मिलेगा। तीसरी, क्योंकि हुड्डा जी ने जितना काम करा 5 साल में, उससे एक तरह से जाट कंसोलिडेशन ऑफ वोट हुआ। वो वोट कहां जाएगा? वो वोट लगता है, अब कैसा प्रतीत हो रहा है, वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये मैं मानता हूं कांग्रेस में फैक्शनलिज्म है, क्योंकि शैलजा जी का अलग ग्रुप है, कुमारी शैलजा का, हुड्डा जी का अलग है। वैसे फोटो ऑप्स के अंदर तो दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं, शायद अभी चीजें ठंडी करने के लिए कोशिश की जा रही है। सुरजेजा वाला जी का भी चलता है वहां पर, तो फैक्शनलिज्म है, पर उसके बावजूद हुड्डा जी ने जो काम करा उससे जाट कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है। मुस्लिम्स आप जानते हैं किस तरफ जाएंगे, और दलित, क्योंकि वहां के जो पीसीसी चीफ हैं वो एक दलित कम्युनिटी से आते हैं, उसका फायदा भी कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई। और दलित एक नहीं है, वहां कई कम्युनिटीज हैं, कुछ दलित परसेंटेज ऑफ वोट्स कांग्रेस को जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाट, और मैं मानता हूं उनके साथ में मुस्लिम्स, और उनके साथ में परसेंटेज ऑफ, मेजर परसेंटेज ऑफ दलित वोटर्स मुझे लग रहा है, जैसा राजस्थान में हुआ था आपने देखा होगा, एससीज और एसटीज ने आपके जाटों के साथ मिलके कांग्रेस को वोट दिया था, पर कांग्रेस हारी, ये बात सही है, पर उन्होंने वोट दिया था। कंसोलिडेशन ऑफ जाट वोट भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ में मैं एक चीज और आपके उसमें डालना चाहूंगा, वहां ऑब्जर्वर कौन बने? अजय माकन। वहां ऑब्जर्वर कौन बने? अशोक गहलोत। देखिए एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अशोक गहलोत चुनाव राजस्थान का भले हार गए हो, पर अशोक गहलोत वो आदमी है जिन्होंने जब गुजरात के इंचार्ज बन के गए थे, मुझे सन ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, चुनावों में असेंबली के चुनावों में, तो बीजेपी को बिल्कुल दांतों तले, मैं कहूंगा बिल्कुल ही बिल्कुल परेशान कर दिया था, दांतों तले क्या बोल गया मैं माफी चाहूंगा, पर उन्होंने परेशान कर दिया था, और कांग्रेस की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रही थी, क्योंकि वो एक जादूगर है। हाँ, राजस्थान में हारे चुनाव, ये मैं मानता हूं, पर हारे भी बुरा नहीं, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस राजस्थान में, और तीनों स्टेट्स में अगर आप देखें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस की राजस्थान में ही थी। वो एक चाणक्य है, और उनके जाने से स्ट्रेटजी में जो इंप्रूवमेंट होगा हरियाणा में, वो हम अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा आप देखिए वहां पे जो मुद्दे हैं जनता के बीच में, वो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी, कहाँ है स्मार्ट सिटी? बिल्कुल कहा है, वो कोई स्मार्ट सिटी दिखती नहीं है फरीदाबाद में। बिजली, पानी, ये मुद्दे तो एक नॉर्मल मुद्दे हैं। आपको बताऊं, हरियाणा में पानी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बिजली है। गुड़गांव चले जाइए, गुड़गांव में आप पाएंगे जिसको हम एक तरह से आईटी सिटी जैसा नाम दिया जाता है, कई लोग उसको बहुत बड़ी सिटी मानते हैं, वहां पे भी आप देखिए ऑफिसेस हैं, बिजली की कटौती रहती, बिजली की कटौती कई जगह और रहती है। हरियाणा के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट का जो आउटलुक था, जिस तरह से उन्होंने उसको फ्रेमवर्क बनाया और चलाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उसका अंतर अब बीजेपी को असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा क्या मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सैनी को बनाने से अंतर पड़ा? ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं पड़ता हुआ दिख रहा अभी। वो जो नाराजगी है वो पार्टी के अगेंस्ट है, वो एक खास नेता के अगेंस्ट नहीं थी, और मुझे नहीं लगता कि नायब सैनी को बैठाने से वहां पर और मनोहर लाल खट्टर को हटाने से कोई अंतर पड़ता हुआ नजर आता हुआ इस चुनाव में दिखता। कोई भी सर्वे उठाइए आप, अगर ओपिनियन पोल भी उठाते हैं, ओपिनियन पोल के अंदर भी कांग्रेस को 55 से 62 सीटें, 62 सीट्स की बात कर रहे हैं कई ओपिनियन पोल्स, यही सट्टा मार्केट बोल रहा। सरकार तो 100% सट्टा मार्केट बता रहा है कि कांग्रेस की बनती हुई दिख रही है, और यही वहां के लोग बोल रहे हैं, यही वहां के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स बोल रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं ये मैं भी बोल रहा हूं, फिगर्स में इधर उधर हो सकता है, पर शायद बोल मैं भी यही रहा हूं। कई मुद्दे हैं, कई मुद्दे जो लोग जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनकी बात भी करी मैंने आपसे, और वो मुद्दे जिनसे वो परेशान हुए, विनेश जब वापस आई तब आपने भीड़ देखी होगी उनको अपने गांव तक, कितनी भीड़, कितना टाइम लगा, कितने लोग उनसे मिलने आए, वो बहुत बड़ा मुद्दा बना। महिला पहलवान बहुत मुद्दा बना, फार्मर्स प्रोटेस्ट बहुत बड़ा मुद्दा बना। धन्यवाद, शुक्रिया, आप लोगों से जल्द मिलता हूं अपने नए वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।